हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है स्केल्ड हिंदुस्तान में। और आज मैं आपको दो लोगों से मिलवाने जा रहा हूं। पहले मिस्टर अनिल, जिन्होंने जो हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं और आज एक इन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, जहां ये जाना चाहते थे उसके आसपास थोड़ा सा पहुँच गए हैं। और दूसरे हैं हमारे जो टीचर हैं, ये हमें मतलब टीचर बोलें ये या बोलें एलटी के एक्सपर्ट हैं, एलटी एचटी पैनल के एक्सपर्ट हैं, जो आगे हमारे कुछ कोर्स आने वाले हैं। तीन तरह के कोर्स हम प्लान कर रहे हैं, तो तीन तरह, जैसे एक आपका पीएलसी का कोर्स है, एक आपका डिजाइनिंग का कोर्स है, पैनल कैसे डिजाइन किए जाते हैं वो सारा है, और एक कोर्स है हमारा जो पैनल के अंदर जो कंट्रोलिंग है पूरी, कैसे कैसे करते हैं, क्या होता है, सब बहुत कुछ है। सारे कोर्स हैं वो लाइफ चेंजिंग कोर्स हैं, जो लोगों को अगर ये कोर्स किसी ने सपोज किया है, किसी को टेक्नीशियन है भाई, इसको 15,000 मिलते हैं, अगर उसने वो कोर्स कर लिया, उतनी नॉलेज उसको मिल गई, तो वो कम से कम सीधा 25,000 के लायक हो जाए। तो इस तरह के कोर्स हैं। सबसे पहले थोड़ा अनिल से मैं बात करना चाहूँगा। अनिल, थोड़ा आप अपने बारे में बताओ, आप स्किल्ड हिंदुस्तान तक कैसे पहुँचे और कैसे, आपने कितने इंटरव्यू दे चुके हमारे से जुड़ने के बाद, और कितनी जॉब चेंज कर चुके हो, क्या क्या लाइफ में आपने ऐड ऑन किया है? मेरा नाम अनिल है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ अपने बारे में। जैसा कि मेरे करियर की शुरुआत एज ए असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन हुई, उस टाइम पे मैंने फील्ड में भी काम किया है, अपना कंपनीज में भी काम किया है, लेकिन मेरे को ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। एक एज के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि भाई हाथ पांव चल रहे हैं, जब तक कमाना है एक लैंग्वेज में कह सकते हैं, उसके बाद लेकिन एक स्टेबिलिटी चाहिए। तो मेरे पास डिप्लोमा पास आउट होते हुए भी मेरे साथ ये कंडीशन थी। मैंने कंपनीज में ज्वाइन किया, अच्छी अच्छी फाउंडेशन के साथ वर्क किया, तो कोई फाउंडेशन भी मैंने किसी मतलब अच्छी ब्रांड के साथ काम किया हर जगह, लेकिन मेरे को फिर भी ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। ग्रोथ मिलने के लिए सबसे पहले मैंने यूट्यूब्स वगैरह से सर्च किया, तो मेरे को वहाँ पे सर का नंबर मिला जहाँ से ज्वाइन स्किल्ड हिंदुस्तान। तो उस टाइम पे मैं ज्वाइन हुआ सर से 28 मार्च 2022 में। तो सर से मेरा डिस्कस हुआ कि मैंने कि सर मैं फैसिलिटी मैनेजर बनना चाहता हूँ। तो सर ने कहा आप बन सकते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने अपनी नॉलेज के बारे में बताया कि मैं इस तरीके से, मैंने कि मेरे को ये चीज़ें आती हैं, और मैंने अपनी लाइफ में जहाँ भी गया तो मैंने वेस्ट ऑफ टाइम की, लोगों ने सोचा कि टेक्नीशियन पोस्ट पर अपना टाइम काटा और घर आ गए, वो काम नहीं रहा कि कुछ सीखो। तो वहाँ पे मैंने अपनी सीखने की कोशिशें करी, लेकिन फिर भी मेरे को ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। तो स्किल्ड हिंदुस्तान मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसके द्वारा मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई। उसके बाद यहाँ से एक कोर्स किया, जिसके बाद इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स, उसके अलावा और कोर्सेज भी मैं यहाँ से कर रहा हूँ। और आज की डेट में मेरे को, मैंने समथिंग 3 से 4 जगह जॉब की है, और इंटरव्यूज़ की बात करें तो 350+ इंटरव्यू दिए हैं, जिनमें से 200+ का जो स्कोर था मेरा, मैं सेलेक्टेड था। बट कहीं सिचुएशन थी कि कहीं कंपनीज़ का जो इन्वायरमेंट था वहाँ गुड नहीं था, वहाँ पे पैसे टाइम पे नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। करता गया, मेहनत करता गया, किसी दिन छुट्टी हुई, सैटरडे संडे इंटरव्यूज़ देता गया, इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा, हर चीज़ को पता करना। तो मेरे पास मंथ ऑफ सेप्टेम्बर में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मेरे काफ़ी इंटरव्यू में एक साथ मेरे पास 4 सिलेक्शन आए, और उसमें मेरे को जो सबसे बेस्ट जॉब लगी वो मैंने अपनी अकॉर्डिंग टू लोकेशन और अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से उसको मैंने समझा, और आज की डेट में एक अच्छी पोस्ट पे मैं फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की पोस्ट पे, और वो भी कंपनी आशीर्वाद ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ HO में बैठा हुआ हूँ, और काफ़ी अच्छी टीम है और काफ़ी अच्छे इन्वायरमेंट के साथ काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पास 60+ मल्टीपल साइड हैं, जहाँ पे लोगों को मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेक्निकल स्टाफ्स हैं, और हमारी कंपनी का जो ग्रुप है बहुत ही अच्छा ग्रुप है उसके साथ। लेकिन उसमें सबसे बड़ा कंसर्न जो था, मिस्टर प्रदीप सर हैं, इन्होंने बहुत साथ दिया मेरे को कि इंटरव्यू के लिए ब्रीफ कैसे होना है, कैसे क्या चीज़। तो मैंने अपने आप को सबसे पहले इस काबिल बनाया कि मैं कर क्या सकता हूँ, पहले अपना एम हासिल किया, उसके बाद मुझे लगा कि भाई ये चीज़ अच्छी है, फिर मैंने, मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला जिस पे मेरे को प्रदीप सर हैं, इन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, ब्रीफ किया, उसके बाद इन्होंने काफ़ी अपडेट किया मेरे को कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो आज की डेट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ पा रहा हूँ मैं, और काफ़ी अच्छी सैलरी भी पा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू प्रीवियस टाइम।
मेरा जो बीता हुआ कल सा उससे जो मेरा चल रहा समय बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छे से और बहुत खुशी के साथ जी रहा हूँ मैं। उस टाइम पे मेरी तनख्वाह कोई ज़्यादा नहीं होती थी, एक मामूली सी तनख्वाह होती थी, लेकिन आज की डेट में मैं 42 to 43,000 रुपीज़ पर मंथ की इनकम है मेरी CTC, जिसमें मेरा इन हैंड 38 के आसपास आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी अनिल का मैं बताऊं कि भी इन्होंने हमारा कोर्स लिया, बात हुई तो इन्होंने कहा कि सर मेरे को ना सर मैनेजर बनना है। मतलब देखो, सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आदमी को ग्रो करने के लिए उसके मन में होना चाहिए कि भाई मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो मैंने इनको भी कई दो तरह के लोग होते हैं, एक अरे तू मैनेजर कैसे बन पाएगा, देख टेक्नीशियन अभी कुछ नहीं है, इस तरह की नहीं। बट मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं है, मेरा ये है कि हर कोई बंदा किसी भी एक काफ़ी ऊंचे लेवल तक जा सकता है, बस उसके अंदर ये होना चाहिए हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भैया कभी आप लोगों से कुछ नहीं हो रहा हो ना, नेगेटिव हो तो अगर आपको लग रहा है यार होगा नहीं होगा, आप आँख बंद करके ना, मैंने रियलाइज़ किया है, आँख बंद करके आप अपने आप को बोलिएगा हाँ मैं कर सकता हूँ। अपने आप को 10 बार आँख में बंद करके कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता रहेगा। जब 10वीं बार आप अपने आप को बोलोगे ना मैं कर सकता हूँ तो कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होगा। तो वही है, सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप होना चाहिए, आपकी जो नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। इन्होंने इतने इंटरव्यू दिए, इतने इंटरव्यू के बाद तो भाई मतलब सब कुछ पॉसिबल है। लोग डर जाते हैं, अरे जहाँ मिल गई वहाँ पकड़ के बैठ जाते हैं, वो चीज़ें नहीं हैं। देखो अरे मेरे को तो परमानेंट जॉब चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आदमी को अवॉइड करनी चाहिए। तो अभी हमारे साथ एक और पर्सनैलिटी हैं, तो ये भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो आपको कुछ कहना है? मेरा आपसे एक ही सभी से ये कहना है कि बहुत से लोग होते हैं इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, अरे रिजेक्टेड रिजेक्टेड, अरे कब तक रिजेक्टेड होगे, एक टाइम आएगा आपका उस टाइम तो एक्सेप्ट होगे, कब तक नहीं सीखोगे। तो कभी भी अपने मन को ये नहीं छोटा, अरे मैं तो रिजेक्ट हो गया मैं ये नहीं कर सकता। आप कर सकते हो, आपके मन के अंदर ये होना चाहिए आई एम बेस्ट। कभी भी भीड़ देखो, वहाँ गए मैं गया 40 बंदे इंटरव्यू के लिए, अरे अनिल तेरा इंटरव्यू कैसे होगा, सोचो मत, ये सोचो आई एम बेस्ट, इनको कुछ नहीं आता। चाहे भले ही कुछ भी आता हो लेकिन आपके अंदर ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अब वहाँ अपने 40 को देखे, अरे यार इनमें मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होता। ये सब अपनी अपनी सोचने वाली बात है। अगर आपने चैलेंजेस को स्वीकार करोगे जब ही आगे बढ़ोगे। अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्टेड होगे तो एक ना एक दिन एक्सेप्ट होगे। कितनी मेहनत की तैयारी कर, एक चींटी कितनी मेहनत करती है पहाड़ पे चढ़ने के लिए, कितनी बार गिरती है और उसके बाद फिर चढ़ती है, कितनी बार गिरती है फिर चढ़ती है। तो उसका रीज़न यही है कि उसने कोशिश करी। अब आप कोशिश ही नहीं करोगे, एक दो इंटरव्यू दोगे और अपने घर में बैठ गए, तो मेरे हिसाब से तो ये बेकार है। कभी भी बहुत से बंदे होते हैं नेगेटिविटी लाते हैं, अरे यार तेरे को ये नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता। तो बहुत सी जगह ऐसा होता है जो सीनियर्स होते हैं ना, वो आपको टॉर्चर नहीं कर रहे। उस टाइम पे आप अपने माइंड में नेगेटिविटी में ये मत सोचिए कि ये मेरे को निकालना चाह रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं आगे भगाना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि ये बंदा प्रमोट करे, ये ग्रोथ करे, ये ग्रोथ नहीं करना चाह रहा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रोथ जब ही होगी जब आप खुद से चाहोगे। अगर आपने चाह लिया कि मैं 2015 का पास आउट हूँ, मैंने डिप्लोमा कर लिया, अब मैं ITI MST में अपना टाइम कट रहा है, टाइम पे सैलरी आ रही है, तो वो आपकी ग्रोथ रुक गई। आपको ग्रोथ को रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए यही है, पुरानी को छोड़िए मत और नई सर्च करते रहिए, जहाँ आपको बेटर लगे वहाँ आप कम्फर्ट हो सकते हैं। थैंक यू सर। और साथ ही साथ ना लर्न हम करेंगे लाइफ में, लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी मैं सोचो सब कुछ आ गया है, मैं हर रोज़ सीखता हूँ। अभी आज विजय से बात हुई, कह रहा भाई सर मैं भी सीख ही रहा हूँ। भाई तुझे क्या सीखने की जरूरत, तुझे तो बहुत कुछ आता है। तो विजय प्लीज़ थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार, मैडम विजय कुमार है और मैं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अभी वर्किंग में हूँ। और मेरे लिए बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है कि मैं सर से मिला और हिंदुस्तान स्किल्ड हिंदुस्तान में मुझे यहाँ पर काम करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर मैंने देखा भी, डेमो क्लासेस भी लिए हैं, स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं। एक हमारे सामने पहले से ही एक रिजल्ट बैठा हुआ है इसके यहाँ का, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ जो कुछ सलग कहीं नहीं हो सकता ना, वो यहाँ हो सकता है। जिस जो बंदा जॉब फाइंड करना चाहता है, मैं सजेशन ये करूँगा, एक बार स्किल्ड हिंदुस्तान में आए, एक बार मिले हम लोगों से, एक बार हम लोग क्लासेस लें, उसके बाद फिर अपना देखें। थैंक यू। तो फ्रेंड
मैं बस वही कहना चाहता हूँ लोगों को ना, मेरे को एक चीज़ ये बिल्कुल पसंद नहीं आती, जो टेक्निकल बंदा होता है ना, चाहे उसने ITI डिप्लोमा बीटेक किया है, वो नॉन टेक्निकल जॉब करता है। और सबसे बड़ी चीज़, कहीं टेक्निकल जॉब करता भी है ना तो लोगों की सुनता है, अरे भाई निकाल दूंगा, वो डर के रहता है। मतलब क्यों है उसके अंदर वो इसलिए है कि उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर नॉलेज की कमी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। देखो रिस्पेक्ट होनी चाहिए आदमी की, आप जाएं, अगर आप कोई आपको एक बार बोल भी देना कुछ तो उसको डर लगना चाहिए, बंदा चला गया तो तेरी कंपनी हिल जाएगी। तो वो वैल्यू हमें, देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई पैसा वाला कहते हैं पैसे वाले की वैल्यू है, तो उसी तरह नॉलेज की भी बहुत वैल्यू है। तो अपनी नॉलेज को आप बिल्ड करके रखिए, अच्छी नॉलेज होगी तो अच्छा आउटपुट मिलेगा। और एक चीज़, अभी हमारा आज रिसेंटली HVAC और इलेक्ट्रिकल का कोर्स है वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, और जो हमारे 3-4 कोर्सेज हैं LT का, जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं LT HT का, तो उनके कोर्सेज भी बहुत ही जल्दी अगले 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास में होंगे। PLC स्काडा का कोर्स 25 दिन के अंदर, मतलब उस मैक्सिमम टाइम लग सकता है। तो अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हम लाइफ चेंज करने की गारंटी लेते हैं। जॉब देने की, इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स में हम 100% जॉब की गारंटी देते, कोई नहीं देता, सिर्फ 5,000 रुपये फीस है उस कोर्स की। तो लोगों को यूँ लगता है पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो भाई मैं तो ये कहूँगा, अभी आँख बंद करके सोचो यार, लोग 5,000 रुपये लगा दिए मैंने कहीं पे, आँख बंद करके ज्वाइन करो, आपकी लाइफ चेंज हम करेंगे। तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे मिस्टर विजय हैं जुड़ रहे हैं, अभी अनिल है, अनिल हमें मैन पावर में सपोर्ट करता है, हमें जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं, अनिल अपने पास मैन पावर लगाता है, इसके पास पहले जो खुद जॉब्स ढूंढता था, अब ये खुद इंटरव्यू लेके या जहाँ पर क्लाइंट का इंटरव्यू होता है अपनी तरफ से फाइनल करके ये जॉब प्लेस करता है, टीम को ट्रेनिंग देता है, सब कुछ है। तो चीज़ें ऐड हो रही हैं, चीज़ें बड़ी हो रही हैं, लाइफ में ग्रोथ दिख रही है। तो लाइफ में ग्रोथ सिर्फ मेरे से नहीं होगा, आपको खुद भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो अगर आपको लगता है कि हम आपकी लाइफ बदल सकते हैं तो आप इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए, जब भी आपकी लाइफ बदलेगी सबसे पहला कदम वही है। और अगर आप चाह रहे हैं कुछ डिफरेंट तो आप हमारे को कॉल कर सकते हैं, नीचे आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर जाके स्किल्ड हिंदुस्तान लिखेंगे, वहाँ से आपको ऐप मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद जय हिंदुस्तान।